आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी के पराठे। तो देखिए, गोभी को हमने अच्छे से धोकर वॉश कर लिया है, लेकिन ये अच्छे से साफ़ नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, एक बाउल ले लेंगे। बाउल लेने के बाद हम इस गोभी को इस तरह से उल्टा रख देंगे और इसके सारे जम्स निकालने के लिए हम इसको गरम गरम पानी में डिप कर देंगे। देखिए, इस तरह से मैं इसे ऊपर से लेकर पूरा भर दूंगी ताकि ये अच्छे से जम्स फ्री हो जाए। अब ये क्या, आज देखिए हमने पूरा ऊपर तक फिल कर लिया है इसे। अब हम क्या करेंगे, इसे एक साइड रख देंगे और इसे 5 मिनट के लिए इसी तरह से रहने देंगे। जब तक ये हमारी अच्छे से बनती है, हम क्या करते हैं, डो तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने एक कंटेनर लिया है, उसमें एक कटोरी व्हीट फ्लोर डाला है, यानी कि गेहूं का आटा। इसमें अब मैं क्या करूंगी, 2 चम्मच बेसन ले लूंगी। आप चाहे तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, मैंने इसे इसलिए डाला है ताकि ये खस्ता बने। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें अब कोई भी चीज़ नहीं ऐड करनी है और इसे हम अच्छे से गूँथ लेंगे। गूँथते वक्त हमें क्या, एकदम से पानी नहीं डालना है, धीरे धीरे करके डालना है ताकि सॉफ्ट डो तैयार होए। ये पराठे इतने अच्छे बनने वाले हैं कि सभी बहुत मज़े लेकर खाते हैं। ये दही के साथ भी अच्छे लगते हैं, चटनी के साथ भी अच्छे लगते हैं। देखिए, डो हमारा लगभग रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें लोच लगाएंगे। इसे अच्छे से हमें बिल्कुल काफ़ी लोच लगाना है ताकि जो पराठा है हमारा खस्ता बने और सॉफ्ट भी बने। तो देखिए, आटा हमारा तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे ढक कर 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। तब तक हम इसकी स्टफिंग की तैयारी कर लेंगे। तो देखिए, अब हम इसे रख देते हैं। और अब हम क्या करेंगे, जो हमने कैबेज ली थी उसको हम पानी में से अच्छे से निकाल लेंगे। तो देखिए, ये काफ़ी हद तक क्लीन हो चुकी है। ये देखिए, काफ़ी हद तक ये क्लीन हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसे निकालेंगे। निकालने के बाद हमें क्या करना है, जो इस पे थोड़ा ब्लैकिश रह गई है वो नाइफ़ की सहायता से हम धीरे धीरे हटा लेंगे। ये देखिए, ये हमें अच्छे से जो क्लीन कर ली है हमने। अब हमें क्या करना है, जो हमने बिल्कुल अच्छे से साफ़ की है ना, ये देखिए क्लीन हो चुकी है। तो अब हम इस बाउल को हटा देंगे और इसको बिल्कुल साफ़ गोभी को हम रख देंगे। अब हम एक जो ग्रेटर है वो ले लेंगे और इसमें घिया कस में हम इस गोभी को कस देंगे। अब क्या होगा, देखो मैंने इसे कट नहीं किया है, ये बिल्कुल अच्छे से कसी जा रही है। अगर मैं इसे कट कर लूँगी तो ये हाथ पे लगने का डर रहता है। आप इसी तरह से पूरी गोभी को कस लें। ये देखिए, बहुत अच्छे से हमने इसे कस लिया है। अब हम क्या करेंगे, अच्छे से सारी इसमें से निकाल लेंगे और जो ये हमने गोभी कसी है एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसे एक बाउल में निकालने के बाद हमें क्या करना है, जो सरफेस हमारा गंदा हुआ है उसे हम साफ़ कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से मैंने इसे बाउल में निकाल लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें जो मसाले हैं वो ऐड करेंगे। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसमें जो मैंने हमारा कड़ी पत्ता है वो डालना है। कड़ी पत्ता को डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें और मसाले ऐड कर लेंगे। बच्चों के खाने के लिए बनाना है तो हम मसाले कम ऐड करेंगे। तो देखिए, अब मैं इसमें कलौंजी ऐड कर रही हूँ, आधी से भी कम चम्मच। थोड़ी सी कलौंजी ऐड की है हमने ताकि पराठे में टेस्ट उभर कर आए इसका। अब आधा चम्मच नमक डालेंगे हम, और आधा चम्मच नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बिल्कुल गरम मसाला। गरम मसाला हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालना है हमें ताकि और सारे मसालों की पूर्ति हो जाए। अगर आपके पास चाट मसाला है तो वो भी डाल सकते हैं। अब मैं रेड चिल्ली डाल रही हूँ इसमें, आधी चम्मच से भी कम, तीखा नहीं बनाना है हमें। तो देखिए, स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे, बिल्कुल अच्छे से हमें इसे मिला लेना है। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। ये स्टफिंग बहुत ही अच्छी बनकर रेडी होती है, बहुत ही क्रंची पराठे बनते हैं इसके, जैसे कि प्याज के बनते हैं, क्योंकि गोभी में एक हल्का सा क्रंचीनेस होता है ना, वो आता है इसके अंदर। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आइए, अब हम इसे साइड रख देते हैं
और जो हमने आटा तैयार किया था उसके लिए हम जो दूसरा आटा भी ले लेते हैं ताकि पराठे बनाने में हम इसे यूज़ करेंगे थोड़ा थोड़ा लगाकर। आप देखिए मैंने एक चकला ले लिया है जिसके ऊपर हम इसे बेलेंगे। अब डो को हम इसी तरह से अच्छे से खूब अच्छे से मल लेंगे, यानी कि उसे अच्छे से लोच लगा लेंगे बहुत अच्छे से ताकि पराठे हमारे सॉफ्ट बने। अब देखिए ये डो हमारा लगभग रेडी हो चुका है, हमने इसमें अच्छे से लोच लगा लिया है। अब हल्के हल्के हाथ से इसका पेड़ा बना लेंगे। पेड़ा बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसे नाइफ से दो हिस्सों में कट कर लेंगे। दो हिस्सों में कट करने के बाद हम एक हिस्से को वापस रख देते हैं और अब हम इसे गोल गोल लोई बना लेंगे। इस लोई बनाने के बाद हमें क्या करना है, लोई बनाने के बाद हमें क्या करना है, इसे दूसरे आटे में हम इस तरह से हाँ फोल्डिड कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे बेल लेंगे अच्छे से। ये देखिए इसे हल्के हाथ से बेलना है हमें, ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं बेलना है। हल्के हाथ से बेलने के बाद हम रोल रोल करते जाएंगे और ये जो अच्छा जितना बड़ा होगा ना तो स्टफिंग हमारी बाहर नहीं निकलेगी। हमें इसे अच्छे से रोटी की तरह बेल लेना है। अब ये देखिए अच्छे से बिल्कुल बेल चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, स्टफिंग ऐड करेंगे। स्टफिंग आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं जितनी चाहे। ये देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ, आप भर कर भी कर सकते हैं, थोड़ी कम भी डाल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। ज़्यादा भरने से मोटा पराठा बनेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा वो। आप दो की जगह एक खा सकते हैं। पतले बनाने हैं तो आप थोड़ी स्टफिंग कम कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसे इस तरह से बंद कर रही हूँ। आप चाहे तो दूसरा तरीका भी ले सकते हैं पराठे बनाने का। अब देखिए अब हम इस पर फिर से थोड़ा सा आटा लगा लेंगे ताकि जो स्टफिंग है हमारी बाहर ना आए और अच्छे से बेल जाए। और इसे बिल्कुल ना हमें हल्के हाथ से बेलना है, इसे बिल्कुल भी दबा कर नहीं बेलेंगे हम। ये बहुत ही जो स्टफिंग है ना वो पानी छोड़ देती है नमक डालने के बाद, तो इसे हमें बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से बेलते रहना है, थोड़ा थोड़ा आटा लगाते रहना है और इसे बेलना है। ये देखना कितने अच्छे से तैयार हो जाएगा। ये देखिए पराठा हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसे प्लेट में निकालने के बाद हम दूसरा पराठा भी इसी तरह से बेल लेंगे। तो देखिए अब हम ये पराठा रेडी कर लेते हैं। ये पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं बच्चों को, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सुबह अगर आपको जल्दी है और आप सोच रहे हैं क्या बनाएं और घर में एक गोभी रखी हुई है, तो एक गोभी के अंदर जो छोटी फूल गोभी होती है उसके अंदर दो से तीन पराठे बन जाते हैं। अगर आप मोटे मोटे बनाना चाहते हैं तो आप बच्चों के लिए ये जल्दी जल्दी में रेडी कर सकते हैं और साथ में उन्हें मिर्च का अचार या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। कई बच्चे सॉस भी खाना पसंद करते हैं, रेड सॉस, तो आप उसे। अब गोभी सीजनल है तो आप सीज़न में जो वेजिटेबल्स आते हैं वो बनाएंगे तो वो उनके लिए हेल्दी रहेगी, बहुत ही हेल्दी रहती है। अब देखिए तवा हमारा गर्म हो चुका है अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, पराठे को इस तवे पर डाल देंगे और इसे अच्छे से सिकने देंगे। देखिए इसे हमने तवे पर डाल दिया है और पराठे को हम पलट लेते हैं एक साइड से और ये देखिए अच्छे से ये सिक चुका है। अब ये हम क्या करेंगे, इस पर ऊपर से घी लगा देंगे। आप चाहे तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं, फेनुग्रीक ऑयल ले सकते हैं, जो भी आपका मन करे वो ले सकते हैं आप। अब देखिए हम इसे पलट लेंगे। इसे पलटने के बाद हम क्या करेंगे, दूसरी साइड से भी हम अच्छे से घी लगा लेंगे। घी से पराठे बहुत ही अच्छे बनते हैं। हर चीज़ का अलग फ्लेवर होता है। अगर आप डाइट कॉन्शियस है या आप चाहते हैं कि ज़्यादा वो ना रहे तो आप इसमें ओलिव ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए आप, अब हम इसे पराठे लगाएंगे। देखिए कितना अच्छे से बनकर रेडी हुआ है, मज़ा आ गया इसको देख कर। तो अब हम क्या करेंगे, इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम अब क्या करेंगे, जो दूसरा पराठा है उनको भी इसके ऊपर डाल देते हैं और इसी तरह से हम सेक लेते हैं हमारे तीनों पराठों को। जो हमारा डो था उसमें हम तीन पराठे बनाएंगे। ये देखिए ये भी अच्छे से सिक चुका है। अब इसमें भी हम घी लगा लेते हैं ऊपर से और इसे फिर से हम घी लगाने के बाद पलट लेंगे अच्छे से ताकि हमारा ये अच्छे से सिक जाए। देखिए
सभी तरह किया है हमने। इसे बनाते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि गैस को हमें थोड़ा मीडियम पर रखना है, ना तो ज़्यादा लो होनी चाहिए गैस, ना ही ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए, वरना या तो पराठा हमारा जल जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा, या फिर पराठे में जो है कड़क पर। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से सर्व कर लिया है। आप चाहे तो किसी भी चीज़ के साथ इसे खा सकते हैं। मैं घी और रेड मिर्ची के साथ खा रही हूँ। देखिए, तो तब तक के लिए बाय बाय। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना।